जो स्टूडेंट इस बार 12th साइंस से पास आउट हुए हैं और जिन्होंने टॉप किया है उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे इंस्पायर स्कॉलरशिप अवार्ड 2021 के बारे में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमरसर एकेडमी, दिस इज हिमांशु। आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। देखिए दरअसल होता क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर सारी एक्टिविटी जो है वो कंडक्ट होती है। इस डिपार्टमेंट द्वारा जो है हर साल एक स्कॉलरशिप योजना जो है वो चलाई जाती है। जितने भी टॉप स्टूडेंट हैं, यानी कि 1% स्टूडेंट जितने भी टॉप है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, RBSE बोर्ड हो या फिर कोई भी आपका स्टेट का बोर्ड हो, उन सारे स्टूडेंट को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। क्या है ये स्कॉलरशिप का नाम? इंस्पायर स्कॉलरशिप अवार्ड 2021। देखिए आज हम इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंस्पायर अवार्ड स्कॉलरशिप जो है उसकी लिस्ट जो है वो आ चुकी है। अगर आप कोई स्टूडेंट 12th इस साल साइंस पास आउट है और जिन्होंने टॉप किया है, यानी कि 95%+ जिन्होंने लाए हैं, अगर आपके कलीग में या फिर जानकारी में कोई स्टूडेंट है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना, उनके भी काम आ सके। देखिए यहाँ पे CBSE बोर्ड हो, RBSE बोर्ड हो, RBSE बोर्ड हो या फिर कोई भी आपके स्टेट का बोर्ड हो, जिन्होंने आपको क्या करना है, जैसे कि सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप RBSE मतलब राजस्थान बोर्ड ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो आपको एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद आपको अपडेट नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ मिलेगा इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप अवार्ड 2021, जहां पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा सीधा आपको जो है वो आपका रोल नंबर जो है वो डालना है। जैसे ही आप अपना रोल नंबर डालेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें अगर आपका नाम आ जाता है, आपका फादर का नाम आ जाता है और पूरी डिटेलिंग आपको वहां पे मिल जाएगी। अगर आपका वहां पे नहीं आ पाता है देन यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपका नाम और सर्टिफिकेट खुल जाता है देन यू आर एलिजिबल फॉर इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप अवार्ड 2021। उसके बाद क्या करना है कि सर उसके बाद हमें एक ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, www.online-inspiredgovernment.in। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जितने भी आपकी फॉर्मेलिटी भी रिमेनिंग फॉर्मेलिटीज है, यानी कि आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और सारी की सारी फॉर्मेलिटी जो है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद जब आप एलिजिबल हो जाते हैं तो यहाँ पे देखिए किन को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। जितने भी परफॉर्म 1% स्कॉलरशिप स्कूल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि टॉप जो स्टूडेंट है ना, उनको सबको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अकेडमिक सेशन जो मार्च अप्रैल में आपने 2021 में जो स्टार्ट हुआ है, उन सबको ये स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। और देन अब ये स्कॉलरशिप कब मिलेगी आपको, जो स्टूडेंट 12th साइंस से पास आउट है और आगे BSc, MSc या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स BSc+MSc करते हैं, उन सबको ये स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है। हर साल ये स्कॉलरशिप मिलती है। कुछ चुनिंदा टॉपर्स जो होते हैं उन सबको ये स्कॉलरशिप जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा मिलती है। अब आपके नॉन में कोई स्टूडेंट है जिन्होंने टॉप किया है तो उनको जरूर बोलना कि एक बार चेक जरूर करें। अगर हो सकता है आपको स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है तो बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि इसका अमाउंट जो है वो बहुत ही अच्छा है। हर साल आपको 80,000 रुपये जो है मिलेंगे, जैसे कि BSc फर्स्ट ईयर में 80,000, सेकेंड ईयर में 80,000, ऐसे करके करके आपके बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के थ्रू उन स्टूडेंट को जो वाकई में टैलेंटेड है और अपने स्टडी में हमेशा अव्वल रहते हैं। चलिए तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जी हाँ, जो टॉपर्स हैं, जो अच्छे नंबर ला चुके हैं, उनको ये शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।